मित्रों, आज एक विशेष कार्यक्रम की लॉन्चिंग, उसके नाते से आपके हाथ रूबरू हो रहा हूं मैं। आपको जैसे मालूम है, हमने एक कार्यक्रम शुरू किया था, परिवार पहचान पत्र, जिसकी सर्वदूर उत्सुकता भी है, जानकारियां भी लोग ले रहे हैं, जिनको पता लग रहा है उसकी सराहना भी कर रहे हैं कि हरियाणा के हर परिवार का जो डाटा है वो हम योजनाओं को, लोगों के हित के लिए जो भी योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को बनाने के लिए उसका उपयोग करेंगे और हर किसी की आवश्यकताएं, हर किसी की क्षमताएं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सरकार योजनाएं बनाएगी और क्षमताओं का उपयोग कैसे किया जाए इसकी भी हम योजना बनाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, उसी के अंतर्गत ये सब योजनाएं हैं। तो अभी जो उसमें एक योजना जो हमने घोषित की है, मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना, उसका हेतु ये है कि अपने समाज के जो परिवार कम आय वर्ग के हैं, जिनको हम सामान्यतया भाषा बोलते हैं गरीबी रेखा के नीचे हैं, ऐसे परिवारों की आय के साधन कैसे बढ़ाए जाए। क्योंकि नौकरियों के बारे में हमको सबको विदित है कि हर किसी को नौकरी उपलब्ध कराना ये शायद कठिन काम होता है। उसमें जो सिस्टम से आएंगे उनको नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रह जाते हैं उनको भी परिवार में कम से कम इतनी आय अवश्य हो जाए कि वो अपना जीवन यापन ठीक से कर सकें। हमने जो सर्वे कराया है उस सर्वे में 50,000 रुपया वार्षिक आय से भी नीचे के परिवार हैं, 1,00,000 रुपया वार्षिक आय के भी नीचे के परिवार हैं। अभी दो ही श्रेणियाँ हैं जिनको हमने अपने इस टारगेट में लिया है कि 1,00,000 रुपए तक की आय के जो परिवार हैं उनको अवसर दिला करके कम से कम उनकी आय डबल हो जाए। 50,000 से नीचे के कोई 38,000 परिवार हैं, उनको 1,00,000 तक कैसे पहुंचाया जाए, और 1,00,000 से नीचे के हैं उनको 2,00,000 तक कैसे पहुंचाया जाए। अर्थात हमारा जो 1,80,000 रुपये का ऑर्बिट है उससे पार किया जाए, बाहर किया जाए, उनको हम फिर BPL ना कह करके उनको उससे ऊपर की लाइन पर ले जाएंगे। तो इसमें विभिन्न बैठकें हमारी हुई हैं, विभागों के साथ जो योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की गई है, कितना लाभ लोग ले रहे हैं। लेकिन ध्यान में आया कि लोग लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या तो उनको जानकारी नहीं मिलती या उनको उन योजनाओं को लेने में कठिनाई आती है। ऐसे ही बहुत स्कीम्स ऐसी हैं जो बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, वहाँ भी कुछ कठिनाइयाँ उनको आती हैं। तो हमने एक कंबाइंड एफर्ट, चाहे बैंक हैं, चाहे फाइनेंशियल यानी सर्विसेज देने वाले और संस्थान हैं, या हरियाणा की सरकार की स्कीमें हैं, केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, या फिर व्यक्ति अपनी योजना से भी कोई नया काम करना चाहता है, उसका अपना अनुभव है, एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, कोई भी काम वो करे उसको कोई रिसोर्स की कठिनाई उसको ना आए, तो ऐसा एक सामूहिक प्रयास करने के बाद ऐसे सब लोगों को हम इन्वाइट कर रहे हैं। उनकी सूचियां बन चुकी हैं। लगभग 1,00,000 तक के जो परिवार जिनकी आय कम है उसमें हमारे पोर्टल के हिसाब से तो 3.25 लाख परिवार ऐसे हैं, लेकिन हम अभी 1.5 लाख परिवार उनमें से बुला करके और व्यक्तिगत उनका जानकारियां उनसे लेना, उनका इंटरव्यू लेना, कौन सी वो व्यवस्था का यानी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, कोई उनकी अपनी स्कीम है, तो पहले चरण में ये काम हमारा कल 29 तारीख से शुरू हो रहा है और 25 दिसंबर तक, जिसको हमने कहा है कि कौन सा दिवस, 25 सुशासन दिवस, 25 दिसंबर अटल जी का जन्मदिन होता है, सुशासन दिवस, उस दिन तक फील्ड में हर ब्लॉक लेवल पर कैंप्स लगेंगे और उन कैंप्स में उनको सबको सूचना दे करके बुलाया जाएगा। यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम से सीधी जानकारी भी उनको दी जाएगी और जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर जो नोडल अधिकारी हैं वो भी उनको जानकारी देंगे। एक स्थान पर सब लोग आएंगे प्रातःकाल 10 बजे से लेकर के सायंकाल 5 बजे तक, या जिन लोगों को बुलाया है उनके सबके जब तक इंटरव्यू नहीं होते तब तक वो कार्यक्रम चलेगा। पहले चरण में अभी 3 दिन के कार्यक्रम, कुल 24 ब्लॉक्स में ऐसा हमने एक शेड्यूल ये जारी किया है। 24 स्थान हैं, लेकिन उसमें
किसी किसी स्थान पर 2 दिन, किसी स्थान पर 3 दिन भी, जहाँ की संख्या ज़्यादा है, क्योंकि एक दिन 500-600 लोगों से ज़्यादा वहाँ उस मेले में बुलाएंगे तो अव्यवस्था होगी। तो जहाँ संख्या ज़्यादा है वहाँ 3 दिन, 2 दिन में पूरे तो 2 दिन, और जहाँ कम संख्या है 1 दिन में, उन ब्लॉक्स में इसको लगातार चला करके पूरा करेंगे। तो ऐसे 24 स्थानों का शेड्यूल ये आपको जारी कर दिया गया है, आपको दे दिया ना पत्र। हाँ, तो उसी हिसाब से उन स्थानों का हमने चयन किया है, स्थान 24 जो है, कोशिश की है कि हर ज़िले में कम से कम एक ज़रूर हो जाए। अम्बाला कैंट है, भिवानी, फिर फरीदाबाद कॉरपोरेशन है, फतेहाबाद MC है, जाखल, फिर फरुखा नगर, गुरुग्राम, सिसाए, हांसी और बास, जज्जर, जीन, कैथल, कुंजपुरा, थानेसर, नारनौल, नू, पलवल, कालका, पानीपत, बावल, रोहतक, सिरसा, गोहाना, बिलासपुर। तो ये कुछ स्थान हैं जहाँ पर ये सारे कार्यक्रम किए जाएंगे। इन स्थानों पर नोडल अधिकारी बना दिए गए हैं। एक प्रदेश स्तर का कोई भी IAS, IPS, IFS ऐसा अधिकारी वहाँ जाएगा। एक बार जिला स्तर पर भी नोडल अधिकारी DCs ने तय करके नाम भेजे हैं, वहाँ जिले में भी जो लोग हैं एक एक अधिकारी वो रहेगा। कुछ जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी सूचना हुई है, अपने अपने क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि भी जाना चाहे तो वो भी वहाँ जाएगा, दिन भर रहेगा। सोशल वर्कर, सोशल संस्थाएँ जो इन कामों में सहयोग कर सकती हैं, ऐसी भी सूचना उनको दी गई है, वो भी ले जा करके कोई योजना में, क्योंकि जिस प्रकार के लोग आएंगे कई बार अपनी बात को ठीक से वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी कम है, उनको योजनाओं का पता भी नहीं है, तो ऐसी सारी योजनाओं की सहायता करने के लिए इस प्रकार के सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। हमारी जो लोकल कमेटीज हमने बनाई हैं उनको भी सूचना दी गई है कि उनके लोग भी वहाँ उनके साथ रहें। अर्थात ये दिन भर एक मेला होगा, भले लाभार्थी यानी अपेक्षित जो हैं वो तो 500-600 ही हैं, लेकिन उनके साथ आने वाले लोग, सामाजिक कार्यकर्ता, फिर ये सेटअप के जो लोग हैं, कुल मिलाकर के शायद 500 की अगर जगह 1000 भी आ सकते हैं। तो दिन भर वो एक मेला टाइप ये कार्यक्रम होगा। प्रयोग है, इस प्रयोग में पहले 3 दिनों में कितनी हमें सफलता मिलेगी, कितनी हमको कठिनाइयाँ आएंगी, कितने नए सुझाव आएंगे, उनको भी साथ साथ हर दिन वहाँ से जो इन्फॉर्मेशन आएगी, फीडबैक आएगा, उसके हिसाब से नई चीज़ें क्या करनी हैं। तो इस 3 दिन के बाद नया शेड्यूल 1-2 दिन का गैप डाल करके फिर जारी किया जाएगा, ताकि इन सबको हम 25 दिसंबर तक पूरा कर सकें। 180 के आसपास ये सब स्थान हैं जहाँ ये सब कार्यक्रम जो हैं किए जाएंगे। कुल कार्यक्रमों की संख्या तो ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक स्थान पर एक से ज़्यादा कार्यक्रम जैसा मैंने बताया वो भी होंगे। तो इस प्रकार से ये कार्यक्रम बनाया गया है। वहाँ पर व्यवस्थाएं सारी बता दी गई हैं, उनको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और ब्लॉक लेवल के जो लोग हैं उनको सब व्यवस्था बता दिए गए हैं। ADCs, DCs के साथ डिटेल्ड एक मीटिंग भी हुई है, उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उनको SOP बना करके जारी भी कर दिया गया है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या करना है, विभागों ने क्या करना है, बैंक से क्या अपेक्षा है, और जो बेनिफिशियरी, संभावित बेनिफिशियरी है, उससे क्या क्या जानकारी लेनी है। बहुत सी जानकारियां तो परिवार पहचान पत्र में ले ली गई हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त व्यवसाय के नाते, काम के नाते, इनकम बढ़ाने के नाते उनसे भी पूछताछ की जाएगी। जो योजनाएं सारी, आपको एक पत्रक और दिया गया है जिसके अंदर योजनाओं का उल्लेख है सब, और इस योजनाओं में मैं अभी पढ़ रहा था, योजनाएँ तो 50 से ऊपर लिखी हैं, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो शायद व्यक्ति के लिए नहीं हैं, ग्राम के लिए हैं, बस्ती के लिए हैं, विभागों के लिए हैं। तो व्यक्तियों के लिए लगभग 42 योजनाएं ऐसी हैं जिसमें से व्यक्ति अपनी इनकम बढ़ा सकता है। तो उस प्रकार की ये सब योजनाएं दी गई हैं। इनके सबके वहाँ हर एक कैंप के बाहर कई कई जगह चार्ट लग जाएंगे, उन चार्ट्स को पढ़ेंगे, उसमें बेनिफिट यानी क्या मिलेगा उनको, लोन का मैक्सिमम लिमिट क्या है और उसकी पात्रता क्या उसमें तय की गई है, अलग अलग वर्गों के लिए, जैसे SCs के लिए कुछ योजनाएं हैं, BCs के लिए योजनाएं हैं, महिलाओं के लिए हैं, दिव्यांगों के लिए हैं, गरीबी के हिसाब से कुछ हैं, कृषि की अलग हैं, उद्योग की अलग हैं, लघु उद्योग जो है MSME है उसकी अलग हैं, और स्किलिंग की योजनाएं अलग हैं। 3 महीने का स्किलिंग का कोर्स करने के बाद उनको कोई ना कोई व्यवसाय करने में आगे कैसे सुविधा मिलेगी। तो ऐसे एक मल्टीपल एक जिसको कहना चाहिए एक अफेयर्स ये इसके अंदर बताए गए हैं। जाते ही व्यक्ति
एक वेलकम डेस्क के ऊपर जाएगा ताकि उसको कोई बात आगे कहाँ जाना है इसकी जानकारी नहीं है तो बता दी जाएगी। सब लिखित होगा तो भी एक वेलकम डेस्क होगा। उसके बाद कम से कम पाँच काउंसलिंग सेंटर्स होंगे। वो किसी भी एक काउंसलिंग सेंटर पर जाएगा, सब जानकारियाँ ली जाएंगी, उससे पूछताछ की जाएगी कि किस प्रकार का काम वो कर सकता है। कोई व्यक्ति खेती से जुड़ा कर सकता है, कोई पशुपालन की दृष्टि से कर सकता है, कोई मशरूम के नाते से कर सकता है, कोई दुकान बना सकता है, कोई सरकारी योजनाओं में योजना उसका लाभ उठा सकता है। तो उसी हिसाब से उन काउंटर्स पर भेजा जाएगा। उन काउंटर्स पर डिटेल्ड 5-6 लोग रहेंगे, डिटेल्ड एक जानकारी उससे लेकर के उसको रिकमेंड किया जाएगा कि हाँ ये काम ये कर सकता है। एक की बजाय 1-2-3 भी बताए जा सकते हैं, लेकिन 3 में से भी कोई कर सकता है। वो फिर बैंक्स के काउंटर्स होंगे। उन बैंक के नोडल जो बैंक होंगे उस क्षेत्र के, कहीं 5 हैं कहीं 6 हैं, ऐसे बैंक्स के सबके अपने अपने काउंटर होंगे। वो फिर बारी बारी से उनको भेजेंगे। अगर सामने वाले का कहीं बैंक अकाउंट है तो उस पर भेजा जाएगा, नहीं है तो किसी को भी अकाउंट पर भेजा जाएगा। वो बैंक वाला उस सारे पत्रक को देख करके, और बैंक्स को हमने कहा है कि जहाँ कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है तो कोई गारंटी आपने पूछनी नहीं है। बहुत सी योजनाएं ऐसी हैं केंद्र सरकार की ओर से तय की गई हैं, बैंकों ने मानी हुई है कि इसकी कोई हमने कोलेटरल नहीं लेना, गारंटी नहीं लेनी है। केवल उसकी योग्यता ठीक होनी चाहिए, वो काम ठीक प्रकार से कर सकता है, ताकि एक विश्वास है कि वो अर्न करेगा और बैंक को वापस करेगा। अगर उसमें इतनी योग्यता ही नहीं है तो शायद बैंक वाले उसको रिफ्यूज़ करते हैं। लेकिन वो सारा काम चूँकि हमारे डिपार्टमेंट सब उसमें जुड़े हैं, उसकी काउंसलिंग कर रहे हैं, और इतनी छलनी जो सारे सिस्टम के अंदर से निकाली जाएगी उस सारे विषय को, तो बैंक्स को सुविधा हो जाएगी। फिर बैंक्स हमने कहा कि नहीं, जो हमने तय किया है या जो हमने रिकमेंड किया है उसमें से कोई ना कोई एक काम का लोन आपने देना ही है। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं, नई स्कीम्स मानो बन सकती होंगी, तो उसका अगर बैंक्स की ज़रूरत होगी तो उसका जो गारंटी है, बैंक गारंटी यानी गवर्नमेंट गारंटी देगी, ताकि कल को डिफ़ॉल्ट हो जाता है, कोई NPA ना हो, ताकि वो गवर्नमेंट की ओर से भी दिया जा सकता है। गवर्नमेंट्स के पास बहुत सी स्कीम्स ऐसी होती हैं जो हम ग्रांट भी देते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें उसमें सब करने के बाद और उनको वहाँ भेजेंगे। दिन भर का ये मेला चलेगा। हर 2-2 घंटे के लिए एक उनके स्लॉट बना करके सूचना दी गई है। अगर मैंने 500 लोग बुलाए हैं तो 2 घंटे में मानो 250 लोग बुलाए या 100 लोग बुलाए, अगले 2 घंटे में 100 नहीं मानो 4 स्लॉट बनाए होंगे तो 180 के लगभग दिए हमने। तो उस हिसाब से 3 बजे तक का समय दिया ताकि 5 बजे तक समाप्त हो जाए, ऐसे 2-2 घंटे के स्लॉट बना के दिए। अब ये सारी प्रक्रिया होने के बाद में जाते समय एक काउंटर और रखा हमने फॉर्म जमा कराने का। एक फॉर्म रहेगा इसके साथ, वो फॉर्म सब जगह अपने अपने कमेंट्स सबने लिखने हैं, लिख करके बैंक वाले भी लिखेंगे, और लास्ट में जो उसका फॉर्म जमा कराने का काउंटर, क्या नाम दिया उसका, फॉर्म सबमिशन डेस्क, वहाँ वो सबमिशन करेगा, अपने साइन करेगा और चला जाएगा। इन सब का विश्लेषण करने के बाद बैंक्स के लोग, कुछ उनकी फॉर्मेलिटी होती हैं, जैसे एक तो सिबिल, बैंक के लोग उसको चेक करते हैं कि क्या इस व्यक्ति ने पहले तो कोई लोन नहीं लिया हुआ, उसमें डिफाल्टर तो नहीं है। बड़ा डिफाल्टर भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो तो जानकारियाँ बैंक के सिबिल से सिस्टम से मिलेंगी, उसको वो चेक करेंगे। अगर उसमें कोई छोटा मोटा फॉल्ट है तो कल को सरकार को कोई योजना बनानी होगा बनाएंगे, लेकिन ये सब अगले 10 दिन तक बैंक की प्रोसेस चला करके उसमें निर्णय लेकर के, जब ये 25 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा सब, तो जनवरी में इनके सबके सेकंड कैंप लगेंगे, और सेकंड कैंप में जिनके लोन सैंक्शन उनको लोन दे दिया जाएगा, जिनकी कठिनाई होगी उस कठिनाई को दूर करने की कोई स्कीम सरकार को बनानी होगी वो बनाएंगे, या कोई नई योजना अगले को देनी होगी, कोई मानो लगता है हमें भी इसको लोन देने की बजाय इसको तो कोई छोटा काम किसी प्राइवेट इंडस्ट्री के साथ ही लग करके काम कर सकता है, इसको सैलरी मिल जाए, या इसको अनपढ़ ही है बिल्कुल मजदूरी का ही काम कर सकता, तो मनरेगा का अंदर काम उसको दिलाया जा सकता है। तो बैंकों के अंदर कोई डिफॉल्ट इस प्रकार का मिलता तो उनको बिना लोन के भी उनकी इनकम कैसे बढ़ सकती है, इसकी योजना बनाई जाएगी। लेकिन जनवरी में इन सबको लोन दे दिए जाएंगे। तो इस सारे चरण में अभी 1.5 लाख परिवारों को बुलाया गया है, 1 लाख परिवारों को सहायता ज़रूर हो जाए, मानो 50,000 का एक छोड़ भी दे एक इस प्रकार के लोगों का जिनकी सहायता नहीं हो पाएगी, तो 1 लाख का ये पहला टारगेट इस 2 महीने के चरण में पूरा करेंगे, और उसके बाद फिर सेकंड फेज में बाकी जो लोग बचे हैं उनको लिया जाएगा। तो इतना ही ये एक कार्यक्रम है आपको बताने के लिए, और इसमें आपको लगता है कि कोई सुझाव है, कोई बात
ऐसी है जो पूरी नहीं हुई है, उसमें अधूरी रह गई है, या कोई आपको लगता है उसमें और कुछ जोड़ा जा सकता है? एक विषय ये है जिसे लास्ट ईयर और कोरोना का गया है, मतलब